We now take you live across Allahabad, where Water Resources Minister Uma Bharti is addressing Swachhta Mission program under Namami Gange Mission. देश के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो, हमारी माताओं और बहनों का जीवन सुरक्षित और गरिमापूर्ण हो और हमारे चारों ओर का वातावरण स्वच्छ, सुरक्षित और सामुदायिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है खुले में शौच से मुक्ति ODM। गंगा जी की पवित्रता अक्षुण बनाए रखने की जिम्मेवारी हम सबकी है। आप सबके एक साथ एक मंच पर आने से गंगा तट पर स्थित समस्त गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने की कल्पना साकार होगी और इससे देश की अन्य नदियों के तट पर बसे गांवों के साथ साथ संपूर्ण भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने और पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं इस आयोजन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संबंधित मंत्रियों के साथ साथ सभी पाँचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यों के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को बधाई देता हूं और मोक्षदायिनी गंगा माँ के तटों पर स्थित गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के इस संकल्पबद्ध अभियान की सफलता की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मैंने अभी आपको सुनाया है। क्योंकि संचालिका महोदय ने कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा बना दिया, अन्यथा पहले आपका स्वागत भाषण होना था और वो शायद हमारे ग्रामीण स्वच्छता विभाग के सचिव महोदय के द्वारा होना था, लेकिन चूंकि घोषणा हो गई कि मैं पहले प्रधानमंत्री जी के संदेश का वाचन करूं, तो मैंने सोचा मैं ये पहले की देती हूं और फिर बैठूँ और फिर लौट के आऊँ भाषण देने के लिए। तो इससे अच्छा है कि मैं पूरी पैकेजिंग करके इकट्ठा ही बोल के और फिर बैठी जाती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पांचों राज्यों के जो गंगा किनारे के सरपंच आए हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। Well, Union Water Resources Minister speaking there in Allahabad on the Swachhta Mission under the Namami Gange scheme.